तो उसमें इसको ऐसे नहीं करना, पहले तो दरवाजा हटा के भी देख लेना, अगर नहीं आवाज आ रही तो फोन कर लो, यहाँ से पैनल होता है लिफ्ट के पास में। तो हेलो हेलो, हाँ गंगा, अभी हम खोल रहे हैं, हम 3-4 मिनट में आपको बाहर निकालेंगे, आप चिंता नहीं करो, मैं भी खोलता हूँ, ठीक है ठीक है। तो इसमें ऐसा बोल के अंदर, और फिर यहाँ का इसका MCB डाउन कर देना है, ये MCB डाउन कर दिया इसके लिफ्ट का हमने ऐसे। अब इसके बाद बड़ा आसान है इसमें खोलना, लिफ्ट को खोलना, अगर MCB डाउन नहीं होता या फिर अगर ये फ़ोन नहीं हो पाता तो हम नीचे वाले फ्लोर से, जैसे हम 4th फ्लोर पे खड़े हैं अभी, हम नीचे वाले फ्लोर से एक एक फ्लोर पे खटखटाते हुए आते चारों मंजिलों पे, तो जहाँ अगर किसी भी मंजिल के बीच में है तो हमें पता लग जाता है कि वहाँ पे है बंदा, है ना। अभी जैसे गंगा अंदर है, तो अब हर लिफ्ट के पास में ये जैसे एक लिफ्ट है, ऑटोमेटिक लिफ्ट है, किसी भी कंपनी की कोई भी लिफ्ट हो सकती है, तो उसमें उसके बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लगभग प्रोसेस ऐसे होते हैं। तो क्या करना मोहित, ऐसे करके, अब ये लीवर है इसका, ब्रेक लीवर, ब्रेक लीवर है, तो ब्रेक लीवर ये ऐसे करके ऐसे उठा के एक दो बार ऐसे करेंगे जिससे कि लेवल पे आ जाए, दो बार कर लेंगे, फिर 3 बार कर लेंगे, अभी लेवल पे आ गई है लिफ्ट है। तो अब जो है, अब हम इसको ये देखिए, ये खोल दिया हमने, ऐसे करके खोल सकते हैं, और अगर आइए अगर कोई भी अंदर फंस जाए तो उसमें इसमें एक तो ये बेल बटन होता है, बेल दबा सकते हैं, बेल सबसे पहले बेल दबानी चाहिए गंगा, कभी भी ऐसे हो तो, और एक पंखा चला लो, ये पंखा चला के यहाँ पे उसमें, और कपड़े अगर ज़्यादा पहन रखे हैं कपड़े थोड़े कम कर सकते हैं। जब भी लिफ्ट में फंस जाए तो ये सोचना चाहिए कि हमारा कमरा है या हमारा घर है, तो ये दीवारें हैं हमारे घर की, ये फ्लोर है और ये छत है, तो आराम से रहे, इतना वेंटिलेशन होता है लिफ्ट के अंदर कि भाई एक जो आदमी है उसमें रहे तो उसको सांस मिल सके, वेंटिलेशन की ज़्यादा कमी नहीं होती। तो उसके बाद पहले तो अलार्म दबाएँ, अलार्म दबाने के बाद फिर फ़ोन कर सकते हैं यहाँ से फ़ोन, जब लिफ्ट रुकी होती है तो जैसे यहाँ पे बटन दबाएंगे फ़ोन का, तो बाहर इसमें ये स्पीकर लगे हैं, फ़ोन के माइक हैं, इसमें से आवाज़ बाहर जाती है, तो जैसे रिसेप्शन पे फ़ोन लगा होता है, रिसेप्शन से फ़ोन दबा के और फ़ोन से में आवाज़ आएगी, ये देखिए अब नीचे बात शुरू हो, कम्युनिकेशन शुरू हो सकता है, ऐसे हम बात कर सकते हैं। और कभी भी इसको जबरदस्ती खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और जो भी अंदर है वो गेट से 1 फुट पीछे रहे, अगर गेट के आसपास रहेंगे अचानक लाइट आके गेट चलने लगी तो जो बीच में 30 mm का स्पेस है, जो 30 mm का जो स्पेस है, इसके बीच में कोई भी हमारा बॉडी का पार्ट आ सकता है, तो इसलिए जबरदस्ती खोलने की कोशिश ना करें, जब लाइट आएगी तो खुल जाएगी। और वैसे आइए बाहर आइए गंगा, वैसे अगर कुछ घंटे हम अगर रह भी जाएं अंदर तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं होती, और अगर एक दिन भी हम बिना पानी पिए आराम से रह सकते हैं, बस हमें पैनिक नहीं होना, जब हम शांति से रहेंगे बस पहले कोशिश करें कि हम फ़ोन कर दें बाहर, अगर मोबाइल है मोबाइल से फ़ोन कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे लिफ्ट के अंदर भी फ़ोन होता है अक्सर, उससे बात कर सकते हैं, और नहीं तो फिर इस पे अंदर से खटखटा सकते हैं जिससे कि पता लग जाए कि बाहर लोगों को पता लग सके, और वैसे हेल्दी फिट रहें, कोशिश करें कि 1-2 मंजिल के लिए तो लिफ्ट का ज़्यादा उपयोग भी ना कर लें, अन्य जब तक कि हमारे पास कोई ज़्यादा वजन ना हो, अगर कोई वजन है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई बीमार है, तो वो एक मंजिल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज 1-2 मंजिल तो हम वैसे भी चढ़ सकते हैं, 3-4 मंजिल के लिए हम लिफ्ट इजीली यूज़ कर सकते हैं। और वैसे फिट रहना है तो वैसे बॉडी को हम इतना फिट रखें कि हम कई मंजिल भी चढ़ जाएं, और वैसे हम मैं चाहता हूँ कि सेफ्टी डिवाइस तो वैसे सबको पता होनी चाहिए, जो चाहे किसी भी कंपनी की लिफ्ट लगी हुई है कहीं भी, तो पता रखेंगे कि भाई कैसे ऑपरेट करना है तो उससे बड़ा आसान रहेगा। बाकी जैसे इसी तरह से हम चाहते हैं कि जो फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में भी समय समय पर एक मॉक ड्रिल करें, जिससे कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर अगर अचानक बाई चांस आग लग जाए तो उसमें कैसे हम उसको हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज़ ज़रूरी है। और फिट
फिटनेस का लेवल तो हमेशा हमें हाईएस्ट रखना चाहिए, हमारी जो फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहनी चाहिए हमेशा, हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहनी चाहिए, जिससे कि कभी ऐसे वाक़े ना हो और हम चौकन्ने होकर रहें। यह है, बाकी फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो मेरा फ़ोन नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करें। इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड इशूज़ पर वीडियोज़ मैं पोस्ट करता रहता हूँ अपने जगदम्बा बीबी केयर के पेज पर भी और कनाल प्लस पर भी। थैंक यू।